क्लास टेंथ जो आज हम मैथ का सिलेबस लेकर आए हैं, आप सिलेबस को देखें किस पार्ट से कितना अंक पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, उसको आप जानें। चलते हैं सिलेबस की तरफ। पाठ्यक्रम या सिलेबस, क्लास टेंथ विषय गणित, पूर्णांक 70। 70 नंबर का पूरा गणित से आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा और 30 अंक जो होगा वो प्रोजेक्ट का यानी मूल्यांकन होगा विद्यालय से। तो चलते हैं हम यूनिट 1 इकाई 1 आपका है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से 5 अंक का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत आप टॉपिक पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, ठीक है। इसी तरह चलते हैं इकाई 2 की तरफ, तो आपका है बीजगणित। बीजगणित से 18 अंक का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। इसके अंतर्गत आप टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका है बहुपद, दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा आपका है द्विघात समीकरण, चौथा आपका है समांतर श्रेणियां। क्या है? समांतर श्रेणियां। ये आपका यूनिट 2 के अंतर्गत टॉपिक, ठीक है। तीसरा आपका है निर्देशांक ज्यामिति, इससे आपका 5 अंक का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। इसके अंतर्गत क्या टॉपिक आप पढ़ेंगे? रेखा द्विभिमी। क्या पढ़ेंगे? रेखा द्विभिमी, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं इकाई 4 की तरफ यानी यूनिट 4 की तरफ, तो आपका है ज्यामिति, ठीक है, जिसे बोलते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। ज्यामिति से आपका 12 अंक का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे टॉपिक त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज से संबंधित क्या क्या बातें हैं, समरूप त्रिभुज कैसा होता है, सब बातें आप त्रिभुज से संबंधित जितनी बातें हैं वो आप अध्ययन करेंगे। दूसरा आपका है वृत्त माने सर्किल यानी वृत्त, वृत्त से संबंधित जो बातें होंगी आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक। तीसरा आपका है रचनाएँ, ठीक है, चाहे वृत्त की रचना हो चाहे त्रिभुज की रचना हो, ठीक है, उसको बेहतर ढंग से समझाया और पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं हम इकाई पाँच की तरफ जो आपका है त्रिकोणमिति, जिसे बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति से 12 अंक का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यूनिट है त्रिकोणमिति। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे टॉपिक त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। दूसरा पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमिति सर्व संख्याएं। क्या पढ़ेंगे दूसरा? त्रिकोणमिति सर्व संख्या, ठीक है। तीसरा आप पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। क्या पढ़ेंगे? ऊंचाई और दूरी। तो ये आपका 5वां यूनिट रहा, इसके अंतर्गत ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम चलते हैं यूनिट 6 की तरफ यानी इकाई 6 की तरफ, तो आपका है मेंसुरेशन से 8 अंक का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत आप टॉपिक पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। पहला आप क्या पढ़ेंगे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। दूसरा पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसी प्रकार चलते हैं यूनिट 7 की तरफ यानी इकाई 7 की तरफ, इसमें क्या पढ़ना है? सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इससे आपका 10 अंक का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे आप सांख्यिकी, दूसरा पढ़ेंगे प्रायिकता। आज के लिए इतना ही।